तमाम दोस्तों को मेरे YouTube चैनल अनीस राव पर खुश आमदीद। दोस्तों, हिस्टोरिकल प्लेसेस की सीरीज़ का आज दूसरा एपिसोड मैं आपको दिखाने वाला हूं और इस एपिसोड में मैं आपको ज़्यारत करवाऊंगा दरबार शाह रुकन आलम की। इससे पहले हम गए थे सखी सरवर दरबार। अगर आपने मेरा सखी सरवर दरबार का व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वो व्लॉग देख सकते हैं। तो आज मैं मुल्तान सिटी के अंदर आया हूँ और मुल्तान शहर का आपको मुकम्मल व्यू दिखाऊँगा। मुल्तान शहर के आस पास के, मुल्तान सिटी के अंदर जितनी भी खूबसूरत जगह हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, मैं कोशिश करूंगा आज के दिन में मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर सकूं। बेसिकली आज मौसम ज़रा आबर आलूद है और बारिश भी हुई है मुल्तान सिटी के अंदर, तो धूप बहुत कम है और बादल भी हैं और स्मोग भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आज ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको मुल्तान सिटी की दिखा सकूँ। अब हम जाएँगे दरबार शाह रुकन आलम के अंदर और इंशाल्लाह ये सामने मेरे सामने दरबार शाह रुकन आलम है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके आसपास काफ़ी माशाल्लाह आप प्यारे प्यारे कबूतर हैं, उड़ रहे हैं और दरबार के आसपास चीलें भी बहुत ज़्यादा होती हैं। बेसिकली यहाँ पे लोग जो ज़्यारत के लिए आते हैं वो आके यहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ें कबूतरों को दाना डालते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आज आपको दरबार शाह रुकन आलम का मुकम्मल व्यू दिखाऊँगा, तो मेरे साथ रहिएगा। शुरू करते हैं आज का। मिर्जा मोहम्मद लौट कर मैं ना जाऊं खाली, कुछ नवासों का सदका अदा हो, घर पे आया हूँ बन कर सदका अदा हो, घर पे आया हूँ बन कर सवाली, हर दो झोली मिल जा मोहम्मद मैं न जाऊँ बगाली, जिस चाह दर पे बुला लिया, जिस चाह अपना बना लिया, ये बड़े करम के फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। जी दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको दरबार शाह रुकन आलम के अंदरूनी मनाजिर दिखाए और अंदर जाने के बाद काफ़ी सुकून महसूस हुआ। मैंने अपने लिए और तमाम अपने सब्सक्राइबर्स के लिए दुआ भी मांगी कि अल्लाह ताला मुझे और मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स को खैर आफियत से रखे। तो दोस्तों, अपना
मुल्तान का भी व्लॉग अभी जारी है और अभी हम लोग मज़ीद मुल्तान की कुछ प्लेसेस को विज़िट करेंगे इंशाल्लाह। और ये एक भाई हैं, बहुत ही प्यारी नात पढ़ रहे हैं, मैं आपको सुनाता हूँ। आले मिलाद मदीने वाला मुहम्मद के सईद के दर के आकादी के जोल मुहम्मद के पापत दर दर मुहम्मद के सईद के दर के आकादी के जोल ते दर दी। दोस्तों, मैं इस वक्त मुल्तान के घंटाघर के करीब मौजूद हूँ और जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, बहुत ही प्यारी बिल्डिंग है और बहुत ही कदीम है और इसके अंदर एक ऑफिस भी है टूरिज़्म डिपार्टमेंट पंजाब का और इसको मेंटेन किया गया है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, मैं इस वक्त हज़रत शाह शम्स तबरेज़ के मज़ार पर मौजूद हूं और आप अपनी करामात की वजह से काफ़ी मशहूर हुए तो आज मैं हज़रत शाह शम्स तबरेज़ के मज़ार पर पहली बार आया हूं और ज़्यारत करेंगे और आपको भी मज़ार की ज़्यारत करवाऊँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सर, ये अपना माशाल्लाह शाह शम्स तबरेज़ बाबा सिंह के दरबार पर हम आते रहते हैं, हम यहीं रहते हैं न्यू मुल्तान में, क्योंकि यहाँ पे आकर इनसे मोहब्बत और अकीदत के लिए आते हैं, फैज़ हासिल लेते हैं, क्योंकि सारी दुनिया यहाँ के लोग दुखी गरीब गुरबा आते हैं फैज़ हासिल करने के लिए। तो यहाँ ये अल्लाह के नेक वलीउल्लाह हैं, वलीउल्लाह बंदे हैं, तो यहाँ तो नेक फैज़ मिलता है हर एक को और दुआ कबूल होती है। जी दोस्तों, मैं अंदर जा रहा हूँ शाह शम्स तबरेज़ की ज़्यारत के लिए, आए मैं आपको भी ज़्यारत करवाता हूँ। आले मिलाद मदीने वाला मुहम्मद के
थाई देखे तर के आकादी के जोल मुहम्मद। मरकजी मस्जिद है शाह समत तली तर मुहम्मद के थाई देखे तर के आकादी के लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, कुछ नवासों का सदका अदा हो। औलिया कराम का शहर, औलिया कराम के दरबार पे हाजिरी दे के दिल को वो सुकून मिलता है जो शायद कहीं नहीं मिलता। तो मेरी आप सबको ये रिक्वेस्ट है जो मुल्तान में रहते हैं और जो दीगर शहरों में रहते हैं, आप सबसे ये दरख्वास्त है कि आप लोग भी ज़्यारत के लिए आएँ और इन अल्लाह के वलियों से फैज़ हासिल करें। तो मैं ज़िंदगी में पहली बार एक दिन में दो दरबारों पर मैंने हाज़िरी दी, तो वो मुझे एहसास मिला, वो खुशी मिली जो शायद ज़िंदगी में पहले कभी नहीं मिली। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि आप अगर मुल्तान में रहते हैं तो इन औलिया कराम के दरबार पर ज़रूर हाज़िर करें। जिस चाह दर पे बुला लिया, जिस चाह अपना बना लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। जी दोस्तों, मैं इस वक्त हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया के दरबार पे हूँ। मैंने पहले दो दरबारों की ज़ियारत की, पहला शाह रुकन आलम और दूसरा शाह शम्स तबरेज़, और तीसरे दरबार पे अब आए हैं हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया। तो आपको अब अंदरूनी मनाजर भी दिखाएंगे और आपको ड्रोन की मनाजर भी दिखाएंगे, इस मज़ार के चारों अतराफ के व्यू दिखाएंगे आपको। तो मगरिब का वक्त हो चुका है, अंधेरा हो चुका है, और आज के पूरे दिन में हमने तीन दरबार को कवर किया, तीन दरबारों की ज़्यारत की। और क्योंकि आज मौसम ज़रा बरालू था, धुंध भी काफ़ी थी, बारिश भी थी, तो ज़्यादा मुल्तान सिटी की कवरेज नहीं कर सके। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट टाइम फिर कभी मुल्तान के बाकी जो चीज़ें हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वो इंशाल्लाह आपको विज़िट करवाएंगे। आइए अब मैं आपको बहाउद्दीन ज़िक्रिया दरबार के अंदरूनी मनाज़र दिखाता हूँ, आइए। मिलाद मदीने वाला मुहम्मद के अक्सर दरबारों में मोबाइल लेके जाने की इजाज़त नहीं होती या कैमरा की इजाज़त नहीं होती। तो देखते हैं यहाँ पे ये लोग मुझे मना करते हैं। मोहम्मद लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, कुछ नवासों का सदका अदा हो। दर पे आया हूँ बन कर सवाली, हर दो झोली मिल जा मोहम्मद लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। जिस चाह दर पे बुला लिया, जिस चाह अपना बना, हर को झोली मिल जा मोहम्मद खाली, कुछ नवासों का सदका अदा हो। घर में आया हूँ बन कर सवाली,